गोपाल राय ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि एमसीडी करप्शन और कूड़े का अड्डा बन गई है। जाते जाते भी ऐसा लग रहा है कि ऐसी मंशा दिख रही है कि जो कुछ बचा कुचा है उसको भी बेच भाओ। ऐसे में दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी एमसीडी को कूड़ा और करप्शन फ्री बनाने के लिए 1 सितंबर से दिल्ली में महाअभियान शुरू करने हम जा रहे हैं। कल हमने दिल्ली के सभी विधायकों, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ देर रात तक हमने बैठक की और उसके बाद ये निर्णय लिया कि इस दिल्ली की एमसीडी को कूड़ा और करप्शन फ्री बनाने के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक दिल्ली में अभियान का पहला चरण चलाया जाएगा। इस एक महीने के लंबे अभियान में ढाई हजार मीटिंगें की जाएंगी। ये जो इस पूरे अभियान का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के विधायक करेंगे, सभी विधायक, आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम को 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक संचालित करेंगे, जिसके तहत दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सभी विधायक विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग मोहल्लों में जाएंगे, कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वहां की जनता के साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही साथ कैसे दिल्ली को इस कूड़ा और करप्शन से मुक्त किया जाए इसको लेकर के चर्चा करेंगे। ये जो 1 सितंबर से महाअभियान हम शुरू कर रहे हैं, इसमें जहां पर हमारे विधायक नहीं है वहां पर संगठन के पदाधिकारी इन बैठकों का नेतृत्व करेंगे। 1 तारीख से शुरू होने वाले इस अभियान के लिए कल से 25 से 30 अगस्त तक दिल्ली के सभी 272 वार्डों में वार्ड वाइज तैयारी बैठक पार्टी आयोजित करने जा रही है। 25 से 30 अगस्त तक जो ये तैयारी बैठक है ये सभी 272 वार्डों में की जाएगी। इन तैयारी बैठक में आम आदमी पार्टी के मंडल के पदाधिकारी और बूथ स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे तैयारी बैठकों में। इन बैठकों में मोहल्ले वाइज आपके विधायक आपके बीच कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार होगी और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में आपके विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के साथ विधायक जाएंगे और लोगों से चर्चा करेंगे। क्योंकि एमसीडी के जैसे दिल्ली के अंदर जो बदलाव हुआ, दिल्ली सरकार में बदलाव, दिल्ली में एक